नमस्कार बच्चों, आप सभी को नारायणा अमेजिंग असाइनमेंट में स्वागत है। आज का हमारा विषय है बेटा क्षा से श्र। हम अब तक पूरे स्वर और व्यंजन ये सभी सीख चुके हैं। आज है संयुक्ताक्षर क्ष त्र न और श्र। ठीक बेटा, तो इससे संबंधित छोटा सा असाइनमेंट आपके सामने रखने जा रहा हूँ। देखिए बेटा, अभ्यास कीजिए। पहले हम क्या करना है, क्ष त्र न और श्र एक किस तरह से लिखना है और उसे कैसे पहचानना है, इससे संबंधित है आज का हमारा असाइनमेंट। देखिए पहला क्ष, क्ष देखिए 1 2। अब 1 2 3। अब बेटा ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 इस तरह से हम क्ष पूर्ण रूप से लिखे हैं। अभी दो बार यहां लिखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। बेटा अब नेक्स्ट है त्र। क्या है त्र, देखिए पहला 1 2 1 2 3, अब 1 2 3 4, ये है त्र। अभी दो बार लिखेंगे 1 2 3 4। अब है ज्ञ, देखिए 1 2 1 2 3 1 2 3 4, ये है ज्ञ। दोबारा लिखिए ज्ञा से ज्ञानी, हम पढ़े ना, याद है? हाँ। देखिए अब है श्र, 1 2 3 4, ये है श्र। ठीक है, और एक बार श्र से श्रमिक, श्र से श्रम पढ़े ना। हाँ, ये है क्ष त्र ज्ञ श्र, ये अभ्यास कीजिए। और नेक्स्ट बिट में आइए, चित्र देखकर उसकी पहली आवाज लिखिए। या कुछ चित्र दिए हुए हैं और हम क्या करना है, हम क्ष से श्र तक जो अक्षरों का ज्ञान लिए है ना, हाँ, कौन से चित्र में यानी कौन सी पहली आवाज है उसे हम यहाँ लिखना है। टिबड़ा देखिए पहला चित्र क्या है, हाँ क्या है, वो शिव जी के हाथ में रहता है ना, क्या है त्रिशूल, क्या है त्रिशूल। त्रिशूल में पहली आवाज क्या है बेटा, हाँ किससे शुरू होता है, त्रा, त्रा से त्रिशूल, त्रा लिखिए। ओके, देखिए क्या कर रहा है, एक आदमी है, आदमी के ऊपर जो ईंट रखे हुए है वजन उठा रहे है, यानी श्रम कर रहा है। कौन होता है ये श्रम करने वाला, श्रमिक। श्रम करने वाले को क्या कहते हैं, श्रम, यानी कौन सी आवाज से शुरू हो रही है, श्र, श्र से श्रम। देखिए यहां मैं श्र लिख रहा हूं, श्र से श्रम। ओके, ये चित्र देखिए आपको कैसा लग रहा है, एक बड़े आदमी, ओके ज्ञानवान पुरुष है ना, तो उनको कहते हैं हम ज्ञानी। क्या है ज्ञानी, ज्ञा से ज्ञानी, पहली आवाज क्या है ज्ञा, तो हम यहां ज्ञा को लिख रहे हैं। ओके, हाँ इनको देखिए तो कौन दिखाई दे रहा है, कैसा लग रहा है, एक राजा है ना, मुकुट है, बहुत ही शौर्यवान व्यक्ति लग रहे हैं, उन्हीं को कहते हैं क्षत्रिय। क्या कहते हैं क्षत्रिय, क्षा से क्षत्रिय, तो पहली आवाज क्या होता है बेटा क्ष।
ओके बेटा, आज हम क्या किए हैं, क्षत्रज्ञ श्र किस तरह से लिखना है और उनकी पहली आवाज को भी पहचानने हैं। तो इसी तरह मैं अगले असाइनमेंट में आपके सामने दूसरे विषय के साथ आऊंगा। जब तक धन्यवाद बच्चों।